कक्षा नौवीं के पाठ 13 में ग्राम श्री के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम श्री कविता के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर और पद्यांश सारा देखेंगे। पद्यांशों की व्याख्या। पद्यांशों में हम पढ़ेंगे, फैली खेतों में दूर चला, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तल पर हिल हरे रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नौका चिर निर्मल नील फलक। इसमें रवि का अर्थ है सूर्य, रवि याने उजली याने स्वच्छ, उजला साफ है ना, हरे याने हरा या हरे, रुधिर याने रक्त होता है, श्यामल याने कालिमा मैली सावलापन लिए हुए ना, धन धानी मई, भू यानी धरती भूमि धरती होती है ना, नव आकाश निर्मल स्वच्छ। अब संदर्भ में है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ग्राम श्री पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। फिर प्रसंग है, इसमें हरी भरी फसलों के से शोभायमान खेतों की छटा का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है और उस पर मखमली हरियाली छाई हुई है। खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह हरियाली फैली हुई है, उसमें मखमली हरियाली चांदी की ही सफेद जाली जैसी सूर्य की किरणें लिपटी हुई है। और आशा यह है कि जैसे मखमली वस्त्रों में चांदी की जाली जड़ी होती है, वैसे ही खेतों की हरियाली सूर्य की किरणों से लिपटी हुई समझ में आ रही है। फसलों के हरे रंग वाले तनों में हरा रंग झलझला रहा है। धन धान्य भरी श्याम वर्ण वाली धरती के तल पर आकाश का स्वच्छ फलक झुका हुआ है और फसलों के कारण पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत नजर आ रहे हैं कि जैसे आकाश और भूमि पूरी एक साथ मिल रहे हो। फिर विशेष में बताया है कि फसलों से हरी भरी छटा का वर्णन है, यह अंकित हो रहा है। ओम कांत पदावली से युक्त इसमें काय का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है इस पद्यांश में। और उपमा उत्प्रेक्ष अलंकार अनुप्रास अलंकारों का सौंदर्य का अवलोकन किया गया। रोमांचित सी लगती बसदा आई जो गेहूं में बाली, अरहर समय की सोने की किन कणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैनाक के गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झाक रही नीलम की कली तीसी नीली। इस पद्यांश में कहा वर्णन है कि कब का वर्णन है, बसंत बहार, बसंत ऋतु में क्या होता है, पीली पीली सरसों फूली हुई रहती है। तो सब रोमांचित का अर्थ है पुलकित, वसुधा का अर्थ है धरती, सनई यानी एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है, किंकड़ियां करदनी, तैलाकत तेलमयी, तीसी अलसी, अलसी को क्या बोलते हैं, तीसी भी कहते हैं। रोमांचित यानी पुलकित, वसुधा भूमि, भू का अर्थ भी धरती होता है और वसुधा का भी अर्थ धरती होता है। वसुधा, वसुधा का अर्थ भी धरती होता है। और तीसी यानी क्या बताया, अलसी। संदर्भ वैसा ही रहेगा कि यह पद्यांश की पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक ग्राम श्री पाठ से लिया गया है। पाठ्य पुस्तक हमारी कहे से क्षितिज बुक से है ना, और पद्यांश लिया गया है सुशोभित सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रची गई रचना है। फिर प्रसंग में यहाँ विभिन्न फसलों के फूल फलों से सुशोभित धरती का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, धरती प्रफुल्लित हो रही है, पुलकित सी लग रही है, क्योंकि जौ और गेहूं में बाली आ गई हैं
अरहर और सन की पीली फलियां रूपी सोने की करदनियां जैसे सुशोभित हो रही हैं। वातावरण में पीले फूल खिल उठे हैं। यह देखो कि हरितमयी धरती से नीलम रत्न सी अलसी की नीली कली झांकती सी दिख रही है। विशेष में बताया है कि फूल फलों से शोभायमान धरती की भव्यता का वर्णन अंकित हुआ है। कोमल कान पदावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उपमा पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है यहाँ पर? धरती फूलों से सजी हुई है, पीली सरसों सी, इसकी तारीफ करी गई है। उपमा यानी तारीफ करना, सौंदर्य का वर्णन करना। फिर रंग रंग तीसरा पद ध्यान से, रंग रंग के फूलों में झिलमिल हरी सखियां मटर खड़ी है। मखमली बेटियां सी लटकी छीनिया छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ ग्रंथों से ग्रंथों पर। तो दिल मिल यानी घुसकर या मिलकर रहना। छीनिया यानी फलियां। फूले फिरते यानी उल्लास से भरे हुए प्रफुल्लित होना। ग्रंथ यानी डंठल, फलियों के डंठल होते हैं ना जो लगे होते हैं उसमें तने से, उनको डंठल। फिर संदर्भ हमारा पूर्ववत रहेगा कि ये पंक्तियां हमारे ग्रामजी पाठ से ली गई हैं, इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसक्त है फली फूली मटरों से लदी हुई मटरागी तितलियों का भी वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। फिर विभिन्न रंगों के फूलों में घुसकर मिलकर मटर रूपी सखियां मुस्कुरा रही हैं और रंगीन फूलों के बीच मटर लगी हुई है और ऐसा लग रहा है रंगीन फूलों से मिलकर वह प्रसन्न हो रही है। फिर मटर की फलियां बीजों के दानों को छिपाए हुए मखमली पेटियां जैसे लटक रही हैं और उनके ऊपर विविध रंगों के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। ऐसा लगता है मनोरम वातावरण से फल फूल रही हैं, उल्लास से भरकर एक डंडा से एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं और अर्थात हवा में लहलाते फूल ऐसे लगते हैं जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर जाकर लग गए हों। जैसे अभी मटर अभी भी आ रहा है, मटर की फलियां अभी भी खेतों में लहला रही हैं और लदी हुई है और तितलियां उस पर बैठती हैं। इसमें फूलों फलियों और तितलियों की उल्लास भर दृश्यों का वर्णन किया गया है। भावानुरूप कोमल कान पदावली से युक्त भाषा को अपनाया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश उपमा अनुप्रास अलंकार आदि सौंदर्य अवलोकन किया गया है। फसलों के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है।